सो गाइज, अभी टाइम हुआ है 4:30 और मेरी 5:15 आज योगा की क्लास। और विक्की भी आज फुल टिप टॉप होके आया है। अभी सलून से पूरा फेशियल वेशियल करवा के दाड़ी बड़ी कटवा के, क्योंकि कल आ रहे हैं। सो क्योंकि कल मम्मी पापा आ रहे हैं और कल इसका बर्थडे भी और एनिवर्सरी भी है, दोनों सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसने सोचा कि सब पैम्परिंग सेशन ले रहे हैं तो व्हाई नॉट मी। कैन इमेजिन हाउ लो मेंटेनेंस आई एम। मैंने अपनी शादी दे भी अब दिस फेशियल नहीं कराया। तेरे बैंड अच्छा लग रहा है। थैंक्स। मैं कोई वो क्रीम क्रूम चीज बस लाके तोड़ पे जैसे सनस्क्रीन लगा के आते। वो भी आई थिंक मैंने लगाई थी। सनस्क्रीन नहीं थी, थोड़ा सा फाउंडेशन था। हां, थोड़ा सा फाउंडेशन। थोड़ा सा फाउंडेशन था, वो भी मैंने लगाया। फैमिली फंक्शन किया और एक साल का शुक्र है, बहुत खुशी की बात है। हां हां हां। सो बेदी साहब आज हमें नाम रोशन करके आ रहे हैं। आज मेरा सेकंड डे है योगा का। मैंने ना इमेजिन कर करके हंसा आंदा था कि मैं कितना करती रही। मैं तेनो वर्कआउट करते देखे है ना पहला। आज तो मैं उसको पहले बोल दूंगी जो ट्रेनर है हमारी, क्योंकि मेरा लोअर उसमें टमी में कल से बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। कल तो अनबियरेबल था, तो मैं फिर भी उसको बता दूंगी कि नीचे थोड़ा सा यू नो प्रेशर है और दर्द भी है, तो उसके हिसाब से ही करूंगी। क्योंकि यार इतने टाइम बाद योगा कर रही हूँ और एकदम 9th month में चालू किया है, तो एक डर भी है और रिस्क भी नहीं लेना चाहती। वॉक तो मेरी कंटिन्यू चली रही है। सो आज मेरा है सेकंड डे, तो थोड़ा सा स्टेमिना मेरा बढ़ा हुआ है कल से। तो स्टेमिना नहीं, मैंने तो हौसला ज्यादा बढ़िया लगता है। स्टेमिना तो हौसला मेरा बढ़िया हुआ है, मतलब लास्ट टाइम गलती ना स्टेमिना नहीं कर गया। अब आज फूका मार के ना आज ही बस नहीं तो मैं करे करा देंगे तो मैं पहुंच जाऊंगा दूर। तो यहाँ से एक्चुअली आधा घंटा लगता है, बट ये अच्छी है एक चीज की, एक दिन छोड़ के है तो जो हमारे अभी आगे भी फंक्शंस आ रहे हैं वो उसी दिन है जिस दिन छुट्टी है। कल तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। हाँ, कल भी पॉसिबल, क्योंकि कल विकी का वो है और परसों देखती हूँ अगर मेरा टाइम एडजस्ट होता है, क्योंकि परसों है मेरा मैटरनिटी शूट फाइनली। क्योंकि आप में से मनु लगा जवाब हो तो बाद ही करूंगे। नहीं, वो भी करवाऊंगे, बट मेरे आप में से काफी सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि आप शूट कब कराओगे, आप कराओगे या नहीं कराओगे, आपको कराना चाहिए, आपका फर्स्ट बेबी है, तो थोड़ी डेट्स वगैरह मैनेज नहीं हो रही थी। तो फर्स्ट तो क्या हुआ, सेकंड की कोई इज्जत नहीं होती है, कोई इज्जत नहीं छोटे, हर बार सबको बराबर रखो, पहला हो दूसरा हो तीसरा हो सबको बराबर हक मिलना चाहिए। नहीं, वो हक हम बराबर ही देंगे, डोंट वरी। बट एक्चुअली अभी का नहीं फाइनल था यार कि वो होंगे या नहीं होंगे, अभी थोड़ा फाइनल हो गया कि अभी फर्स्ट वीक में जा रहे हैं, तो हमने फिर 28th of April डिसाइड की है शूट के लिए। और फिर शूट का तो व्लॉग ऑब्वियसली आएगा, आप देखोगे ही, और किन के थ्रू हो रहा है वो भी मैं उसी दिन मेंशन करूंगी। सो आप बस बने रहिए, अभी मेरा हाथ नहीं है। खाते हुए तो घंटे बाद आपको शुगर चेक करना, तो मेरी योगा क्लासेस बारी है, उससे पहले मैं अपना शुगर चेक करके जा रही हूँ। ठीक है, योगा क्लासेस के बाद भी फिर दोबारा चेक करोगे? नहीं, लंच के बाद करना। अच्छा अच्छा, हाउ मच, क्या खाया भाई? कुछ भी नहीं। फिर एक और करोगे? उसको ऑफ करके ऑन तो कर पहले। What you had? कुछ भी नहीं, खाना रोटी। कुछ पीछे आइसक्रीम आइसक्रीम तो नहीं पे लिया आपने? वाटरमेलन है? वाटरमेलन। बस फिर उसमें तो शुगर होता ही है। नेचुरल तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि फ्रूट्स तो खाने ही पड़ेंगे ना यार। मैं वैसे तो नहीं कि फ्रूट्स नहीं कर सकते, आधा आधा खाया ना मैंने। ओके। कोई नहीं, एक आधी बार चलता है। या आए तो ठीक है, आइसक्रीम तो बैठ रही है। कल मैंगो के बाद चेक किया था? केक भी तो खाया। अच्छा, हाँ, आज सुबह किया था वैसे खाली पेट, तब कितना था? 90। अच्छा, तो ठीक था। चलो बेटी साहब, नाम रोशन करके आना। तुम यही रहोगे? ऑब्वियसली, मैं कहाँ घूमूंगा कल, मैं तो। और कोई चक्कर नहीं है, चल चल कर्ज उतारूंगी मैं। चले चल, कर्ज कुर्ज नहीं है, चल सेवा है ये तो। लक्ष्मी वो बोलते ना, लक्ष्मी मिल, लक्ष्मी खुश होती है। चलो भाई। A few hours later. Welcome back. आज अच्छा था स्टैमिना मेरा। स्टैमिना नहीं, हौसला। बढ़िया रहा। हाँ, बॉल वाली एक्सरसाइजेस थी। इजी थी? हाँ, ये फॉर्म था।
मन मारना क्यों होता, 2 महीने हो गए, मन अपने आप बनना चाहिए था जिम का। नहीं यार, बट वो पूरा रात को जाने में वो होता है ना, मेरा टाइम एक्चुअली है 1 बजे का। हाँ, मेरे में पर तेरे पास फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत है ना। अब मेरे में एनर्जी रहती है 1:30-2 बजे तक, उसके बाद मेरी बैटरी डाउन होने लग जाती है, क्योंकि दोपहर को जिम बंद कर देते हैं, इधर जा सकता नहीं उधर। मैं शुरू से ना हमेशा हर जगह 12-1 बजे जिम जाता रहा हूं, तो उस करके ना। पर अभी तो बिल्डिंग वाले जिम में जा रहा है ना। कोई नहीं, बट 1 महीने दियो, 2-1.5 महीने दी गल्ला हो। नहीं 1.5 महीने होता नहीं होता, पर तू इथे तो रहेगी। हां पर फिर इतने चक्कर थोड़ी लगनगे। ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਜਿੰਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਕੁੱਦੂ ਆ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੁੱਦੂ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਦੂ। ਹਾਂ ਸੋ ਮੰਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਰਥਡੇ ਦੀਆਂ 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੇ ਨਾ, ਉਹ 9 ਵਜੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇਗੇ ਹਰ ਵਾਰੀ। ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ? ਆਈ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਪਲਾਨ। ਵਾਈ? ਬਰਥਡੇ ਬੋਏ ਦੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕਰੂੰ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕੇ ਟਿੱਕੇ ਹੀ ਖਾਦੇ। ਅੱਜ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਰੋਟੀ ਘਰੇ ਖਵਾਉਣੀ ਪੈਣੀ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਬੜਾ ਬਣਵਾ ਲਿਓ। ਹਾਂ ਹੈਨਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਆਏਗੇ ਨਾ ਗੈਸਟ। ਹਾਂ ਉਹ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦਾਲ, ਇੱਕ ਮਟਰ ਪਨੀਰ, ਇੱਕ ਭਿੰਡੀ ਭਿੰਡੀ ਭੁੰਡੀ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਸ ਹੈਨਾ। ਹਾਂ ਚਲੋ, ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਜਿਮ। ਓਕੇ, ਯੂ ਇੰਜੋਏ। ਓਕੇ, ਮਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਇੱਕ ਘਰ ਸਾਥੀ ਹੋ। ਓਕੇ, ਸੀ ਯੂ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਯੂ ਟੂ। अरे 3 दिन से इसी में, मतलब 3 बार केक आया ना, तो इसी लफाफे में आ रहा है ना। अच्छा, मुझे, मैंने तो देखा ही नहीं था। थैंक यू, चलो। सो यहाँ पर हो रही है केक की अनबॉक्सिंग। कितने बजे? मैं जब जिम में था। अच्छा, जो अप्रूव करने को बोला था, मैंने किया था अप्रूव। नोटिफिकेशन ना, बेहतरीन। कल वाला, कल वाला केक अच्छा लगा था क्या? अच्छा था यार वो कल वाला। आज फिर किटकैट में पसीने आए हुए। ये गाइस बताना यार कमेंट में, ये ना पसीने क्यों आ जाते हैं? मैं बताता हूँ, चीज ठंडी होती है तो बाहर निकलते पिघलती है, तो उसके बाद पानी पानी नहीं आ जाता। अच्छा चलो, कैंडल लाओ, चम्मच ले, चम्मच। कैंडल तो रहने चला नहीं सनी, है हमारे पास अभी तो, उस टेबल में पड़ी होगी थी, फिर उसको जला दे, बुझाने का रहने। शिट यार, गैस ऑन करके गए थे। ओ बेदी सा, आग लग जानी थी ये, देखो। छोड़ो छोड़ो, इसको टच मत करो, बहुत गर्म है। रुक जा रुक जा, मत सुनिए। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। खाने बनाए थे, 1 घंटे से चल रहा है ना। हम कितने बजे गए? 11:15 गए ना। हाय, मेरे बर्थडे पे कांड हो जाता। 11:15 गए हैं, ऑलमोस्ट 1 घंटा कांड नहीं, पता नहीं क्या ही हो जाता। बस पर वो सिम में था। चलो कोई, अगर अगर फास्ट होता था कुछ नहीं होता। सब चलो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे। तुम थोड़ी खिलाओ, मैं इससे खाती हूं। मैं से ओ यार, इन्हें दोनों इकट्ठे खिलाते, चलो हैप्पी बर्थडे। थोड़ा सा मीठा हो जाएगा, आज ज्यादा मीठा हो जाएगा। थैंक यू, भले थोड़ा सा तो है, इतना इतना ये खा लो ना, ये खा, ये खिला सकते थे, ऊपर वाला ड्राई फ्रूट, ये वाला। यार मेरे मन में पिलो चल रहा है सवेरे से, पिलो चल रहा है ना, मीठा नहीं खाते, बट मैं खा लूंगी, इतना सा खा, कल खाऊंगी ना, कल बोल देना, चलो कल खाऊंगी। बहुत बहुत थैंक यू, मेरा मुंह छुप गया। बहुत बहुत थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। सबूत नहीं मिटाती कहीं। चलो थैंक यू गाइस, इसको उसी में डब्बे में रख के रख देते हैं। और गाइस आप लोगों का भी पीछे वो आ गया नंगू, सेंसर करना पड़ेगा। और गाइस आप लोगों का भी फिर सोचोगे कि बहन ने गिफ्ट नहीं दिया, क्योंकि दिमाग तो चलाएंगे,
तो बहन मेरे को बर्थडे वाला में गिफ्ट दे चुकी थी आपको अगर याद हो, एयरडोप्स। नहीं मैं दोबारा पैक करके दे दूंगी तेन। नहीं, नहीं। वो गिफ्ट मैंने कब का ले लिया था, एक महीने पहले का ही। देखा तो सो थैंक यू सो मच बेदी साहब वंस अगेन। अभी तो कल है, अभी तो सेलिब्रेशन शुरू हुआ है, कल है, उसके बाद बेदी साहब का 3 तारीख को एनिवर्सरी है, फिर सबसे बड़ी सेलिब्रेशन है आ रही है, ये तो फिर हाँ। अभी चलता रहेगा, टच वुड चलता रहे। चलो सो रहे हो तुम लोग, गुड नाइट, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, थैंक यू। चलो कंचन तेरे को भी हैप्पी हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, थैंक यू। मेरे हाथों को आज भैया कलर वाला लगा के ना पूरा एकदम फुल अपने आप को क्या बोलते हैं ग्रूम करके, पता है पति का बर्थडे है और कल से हमारी एनिवर्सरी भी है, तो साथ में अपने नमक रखा था, नमक नहीं आगे से पिस्ता लेके जाएगा, पिस्ता में नमक होता है ना वो, उससे सही है, पर अपने साथ रखा था ना, पता ही नहीं फ्रूट्स वगैरह काजू और पिस्ता और बादाम ये तीनों मेरे को ना आगे से अपने बैग में ही रखने पड़ेगी, उसी से ही सही होगा।